हर हर महादेव, जय हिंद। देश में क्या हो रहा है उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, हालांकि मुद्दे से भटकाने के लिए मीडिया को हर दिन नए मुद्दे परोस दिए जा रहे हैं और उन फर्जी मुद्दों की भीड़ में असली मुद्दे अपनी जमीन तलाश रहे हैं। जब आंदोलन और हड़ताल की खबर कोई न्यूज चैनल दिखाएगा ही नहीं तो देश को पता कैसे चलेगा कि लोग असली मुद्दे को लेकर कहीं सड़क पर बैठे हैं। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा क्या की, फौज में जाने की तैयारी करने वाले छात्र सड़क पर आ गए। सरकार के मंत्री और सेना के अधिकारी इस योजना के फायदे गिना रहे हैं, ये जानने के बावजूद कि इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। भारतीय सेना की गुणवत्ता में कमी तो आएगी ही, फौज में गड़बड़ी और धांधली की संभावना भी बढ़ जाएगी। दूसरी ओर युवाओं का जीवन बर्बाद होगा वो अलग। जो युवा 4 साल बाद निकाले जाएंगे उन्हें कॉरपोरेट जगत में सिक्योरिटी गार्ड, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स व अन्य ऐसे ही पदों में आरक्षण देने की बात कही जा रही है, जो कि एक जुमला है क्योंकि पिछले 2 सालों में इन सभी भर्तियों में पदों की संख्या में कमी आई है। तो जुमलाबाजी के चक्कर में देश के युवा तो फंसने से रहे और ना ही देश का किसान इस सरकार की जुमलाबाजी में फंसा। और आप जानते हैं अंत में सरकार को कृषि कानून वापस लेना पड़ा था। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, यह देश का दुर्भाग्य है कि अच्छे उद्देश्य से की गई अच्छी चीजें राजनीति के रंग में फंस जाती हैं। मतलब उनके हिसाब से किसान राजनीति कर रहे थे और अब देश के लाखों करोड़ों युवा राजनीति कर रहे हैं। अगर हम लोगों को राजनीति की समझ होती तो हम मोदी जी को प्रधानमंत्री थोड़ी ना चुनते। राजनीति नेता लोग करते हैं और हमारी जिंदगी के साथ खेलते हैं। देश का दुर्भाग्य ये है कि हमारे नेता लोग बिना सोचे समझे कानून बनाते हैं और योजनाएं बनाते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे नेता देश का भला नहीं बल्कि व्यापारियों का भला चाहती है। तभी तो व्यापारियों की कंपनियों में सिक्योरिटी गार्ड बनाने वाली योजना का ये बड़े बड़े लोग तारीफ कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस योजना से देश के युवाओं के अंदर अनुशासन और कौशल का विकास होगा। जो लोग भी ये कह रहे हैं, पहले वो अपने बेटे बेटी और भतीजों को इस योजना में भेजें। व्यापारी लोग ट्वीट कर रहे हैं कि 4 साल बाद अग्निवीरों को हम अपनी कंपनियों में नौकरी देंगे। सेना से रिटायर हुए जो लाखों लोग अभी बेरोजगार बैठे हैं, पहले उन्हें तो नौकरी दो, उसके बाद अग्निपथ स्कीम की तारीफ करना। जो भी हो, सरकार ने नाम बहुत बढ़िया रखा है, अग्निपथ के अग्निवीर। सरकार इसी काम में माहिर है, नामकरण और इवेंट मैनेजमेंट। इस स्कीम के फायदे गिनाने के लिए भी कई इवेंट किए गए। जो नेता लोग अग्निपथ योजना के फायदे गिना रहे हैं, क्या वो अपने बेटों को अग्निवीर बनाएंगे? उनके बेटे निकम्मा और नालायक होने के बावजूद ऊंचे ऊंचे पदों पर जीवन भर बैठेंगे और देश का युवा 4 साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर चौकीदार बनेगा। वाह, क्या स्कीम है। सरकार का एक तर्क ये भी है कि इस योजना से सेना में बेहतर लोग जाएंगे, मतलब इससे पहले जो गए वो बेकार थे। नेता, मंत्री, फौज के बड़े अधिकारी और बिजनेसमैन लोग देश के युवाओं को या तो मूर्ख समझते हैं या फिर अपना गुलाम, कि जो भी वो कहेंगे हम आंख मूंद कर मान लेंगे। क्यों ना राजनीति में भी कोई अग्निपथ जैसी योजना लागू की जाए कि 5 साल की नेतागिरी के बाद रिटायर हो जाओ बिना किसी पेंशन, सुरक्षा और बिना किसी सुविधा के। क्यों ना सिविल सर्विस में भी यही अग्निपथ वाली स्कीम लागू की जाए, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को सिविल सर्वेंट बनकर देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। आप लोग देख ही रहे होंगे कि अग्निपथ योजना की तारीफ में बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं। सरकार के जितने चाटुकार जीवी हैं सभी इसी काम में लग गए हैं। ना सिर्फ बीजेपी के नेता, मंत्री और सेना के अफसर, बल्कि बॉलीवुड के बूट लीकर एक्टर्स भी इस काम में लग गए हैं। बड़े बड़े बाबा लोग भी पीछे कहां रह जाते। श्री श्री रविशंकर का नाम आपने सुना होगा। इसके मुताबिक $1.40 होने वाला था। अगर तुम सही में आध्यात्मिक गुरु हो तो तुम्हें किसी सरकार की चाटने की जरूरत क्यों पड़ेगी। तो ये रविशंकर भारतीय सैन्य व्यवस्था की तुलना सिंगापुर और स्विट्जरलैंड की अनिवार्य सैन्य शिक्षा से करके ये बोल रहा है कि अग्निपथ बहुत बढ़िया स्कीम है। तुलना सिर्फ इसी की क्यों, सभी व्यवस्थाओं की तुलना करो। सिंगापुर और स्विट्जरलैंड की आर्थिक स्थिति कैसी है, वहाँ नेता लोग कितना भ्रष्टाचार करते हैं, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, वहाँ के सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी चलती है कि नहीं, ये भी देखा जाए। वहाँ भारत की तरह बेरोजगारी चरम पर है या नहीं, वो भी देखो। और स्विट्जरलैंड में तुम्हारे जैसे बाबा लोगों को मूर्ख बनाते हैं कि नहीं, वो भी देखा जाए। लेकिन बाबा लोगों को तो अपने मालिक को खुश करना है। देश की स्थिति से इन्हें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। अरबों की संपत्ति जमा करके दूसरों को ज्ञान देते हैं कि धन संपत्ति का क्या है, सब कुछ यहीं रह जाना है। तो जरा देख और पहचान लीजिए कि समाज और देश में कौन कौन और कैसे कैसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आम जनता कीड़ों की जिंदगी जीती रहे। ये सभी लोग हमें जहर दे रहे
रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि ये अमृत है। बीजेपी के नेता लोग अग्निवीरों को बीजेपी के ऑफिस का दरबान बनाने की बात कर रहे हैं, कोई उन्हें रसोईया और झाड़ू पोछा करने की नौकरी देने की बात कह रहा है। मतलब उनकी घिनौनी सोच देखिए, सेना में 4 साल सेवा देने के बाद हम बीजेपी नेताओं के घर में नौकर बने। इल्यूमिनेटी वालों को पहचानना मुश्किल नहीं है, यही लोग हैं जो चाहते हैं हम गुलाम बने रहें, इसलिए वो हमारे विरोध प्रदर्शन को गलत बताते हैं। सत्ता और शक्ति को अपने हाथों में ही नियंत्रित रखने की इनकी योजना को अगर असफल करना है तो सबसे पहले गुलामी वाली विचारधारा को हराना होगा। जब तक हम इन नेताओं को, बड़े बड़े अफसरों को और व्यापारियों को और ढोंगी बाबाओं को सम्मान देते रहेंगे, अपने मन में इन्हें बड़ा आदमी सोचते रहेंगे, तब तक हम इल्यूमिनेटी से नहीं लड़ सकते। हमें पहले अपने अंदर जो कमजोर भावना है उससे लड़ना होगा। सभी इंसान बराबर हैं, भगवान ने उसे जो अधिकार दिए हैं वो हमें भी दिए हैं। अगर कोई नेता मंत्री बना है तो हमारे कारण बना है और हमारे लिए बना है, ना कि हमारी परेशानियों से मुंह चुराने के लिए नेता बना है। ये हम हैं जो एक आदमी को सत्ता पर बिठाते हैं, वरना किसी की क्या औकात कि आंदोलन कर रहे लोगों पर लाठियां और गोलियां चलवा दे। हम यहाँ रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, हमारी समस्याएं जीने मरने की है, पेट भरने की है, मगर सत्ताधारी नेताओं को ये बात समझ में नहीं आएगी। जब आदमी विपक्ष में होता है तो बहुत बढ़िया बातें करता है, जैसे ही सत्ता मिलती है जनता की आवाज से दूर हो जाना चाहता है, उसे जनता के सवाल फिर मुसीबत लगने लगते हैं। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसी विदेश दौरे पर गए हुए थे, वहां पत्रकारों ने सवाल पूछना चाहा तो उन्हें मना कर दिया गया। भारत में तो मना है ही, बाहर भी वही किया गया। इस तरह भारत देश विश्वगुरु नहीं बनता, बल्कि हमारे नेता की, उस नेता की जो सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक है, उस पर तानाशाही के आरोप लगते हैं। यह और कुछ नहीं, डर है कि कहीं कोई ईमानदार पत्रकार ऐसे सवाल ना पूछ दे जिसका जवाब देने के लिए पानी पीना पड़ जाए या सवाल सुनकर भागना पड़े। तो इस तरह सवालों से दूर रहकर, जनता से दूर रहकर खुद को मजबूत नेता बनाया जाता है। खैर, अग्निपथ के अग्निवीरों की अग्नि परीक्षा में हर वो भारतीय साथ खड़ा है जिनके घर में एक फौजी है। हम जानते हैं कि कोई फौजी इस अग्निपथ स्कीम के साथ नहीं है, क्योंकि ये देशभक्ति की भावना के साथ खिलवाड़ है, भारतीय सेना के साथ खिलवाड़ है। जो आर्मी अफसर बाहर आकर इस योजना के लाभ गिना रहे हैं, हम उनकी मजबूरी समझते हैं, लेकिन याद रहे, जब अंतिम मौर्य सम्राट जनता के दुखों को भूल गया था, उसके सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने बागडोर अपने हाथों में ली थी। जरूरी नहीं कि सेनापति हमेशा राजा के हर उल्टे सीधे फैसले के आगे झुकता रहे। सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने भारत की भलाई के लिए राजा के खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि सेनापतियों का काम यही है, सबसे पहले देश हित देखना। लेकिन आजकल तो प्रमोशन और गुडविल के चक्कर में सेनापति आकर राजा का बचाव कर रहे हैं। ना तो ये योजना आपने लागू की है और ना ही आपको कोई इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है, फिर आप क्यों आगे आकर इस योजना के फायदे बताकर सरकार का बचाव कर रहे हैं? पब्लिक के सामने उसे भेजिए जो इसका जिम्मेदार है, जिसने ये योजना बनाई है। सड़क पर जो लाखों लड़के खड़े हैं वो मूर्ख नहीं है और ना ही किसी के द्वारा बहकाए गए हैं। ये तो बाद में विपक्ष ने जब देखा कि माहौल बन रहा है तो अपने कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन में भेजने लगे, वरना कांग्रेस की आज इतनी औकात नहीं है कि वो देश में आंदोलन खड़ा कर दे। ये विरोध सरकार के गलत फैसले और तानाशाही रवैये के कारण है, और ये जनता का विरोध है। जो नियुक्तियां होनी थी, जिन परीक्षाओं के सभी चरण पूरे हो गए थे, उनकी भर्ती तो आपने रोक दी, उसके बाद अब ये अग्निपथ का ठेंगा दिखाओगे तो देश का युवा अपना गुस्सा तो दिखाएगा ही। देश की इतनी संपत्ति बिना किसी परेशानी के बेच रहे हो, तो थोड़ी सी संपत्ति का नुकसान अग्निवीरों ने कर दिया तो क्यों परेशान होते हो? ये योजना वापस लो और फिर कोई दूसरा योजना बनाओ हमें गरीब और कमजोर बनाने का। हम तो ठहरे मूर्ख, हमें कोई योजना समझ नहीं आती। ना नोटबंदी समझ में आई, ना व्यापारियों को GST समझ में आई, ना किसानों को किसान बिल समझ में आई, और अब छात्रों को ये अग्निपथ समझ में नहीं आ रही। ऐसा क्यों कि ये सरकार जिसके लिए भी कोई योजना लाती है उसे समझ नहीं आती और उसे उसमें अपना नुकसान दिखता है? कहीं पूरा देश कांग्रेसी तो नहीं हो गया? मोदी जी के खिलाफ साजिश तो नहीं है ये? एक ऐसे समय में जब पूरा मीडिया दिन भर प्रधानमंत्री के गुणगान में लगा रहता है, उनके चमत्कारी व्यक्तित्व के अफसाने सुनाता रहता है, चारों ओर जय श्री राम बोलने वाले भक्त ही भक्त हैं, वैसे समय में मोदी जी के कानूनों का विरोध क्यों होता है?
राहुल पप्पू ने मोदी चचा के खिलाफ लोगों को भड़का दिया है क्या? अगर नहीं तो सीधी बात समझ लीजिए कि ये सरकार जनता को अधमरा करके ही मानेगी। जिस देश हित में पेट्रोल और रसोई गैस महंगा किया जा रहा है, वो देश हित अब कहाँ गया? अगर तुम हमारे फौजी जवानों को पेंशन तक नहीं दे सकते तो कौन सी देश हित की बात करते हो? किधर है तुम्हारा राष्ट्र हित? किसके लिए हम पेट्रोल और बाकी सामानों को इतने महंगे दामों पर खरीद रहे हैं? बार बार सेना का नाम लेकर राष्ट्र हित की बात करते थे, आज उसी सेना को बोझ बताकर उनका अपमान कौन कर रहा है? रक्षा बजट का अधिकतर हिस्सा सैनिकों के पेंशन में चला जाता है, ये कहना देश का अपमान करना है, ये कहना सेना का अपमान करना है। जिन्होंने जान हथेली पर रख कर देश की सेवा की, पेंशन उन्हें नहीं तो किसे मिलनी चाहिए? उन नेताओं को जो एसी कमरे में लेटकर पत्तलकारों से अपनी मालिश करवाते हैं। महाराष्ट्र में विधायकों की खरीद फरोख्त चल रही है, वो पैसा किसका है, कहां से आया? चुनी हुई सरकार को पैसों के बल पर गिराना जनता के वोट देने के अधिकार का मजाक उड़ाना है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। हमारे महान देश के महान लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा कई बार हो चुका है। जाहिर सी बात है कि हमारे विधायकों को पैसों से मतलब है, तो जिधर ज़्यादा पैसा उधर उनकी जी हुजूरी। क्या कोई ऐसा विधायक है जो अपनी पार्टी से बेरोजगारी और महंगाई के कारण बगावत करे? आज के लिए इतना काफ़ी है। बात अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, हमसे जुड़ने के लिए चैनल ज्वाइन करें, किसी भी तरीके से अपना सहयोग दें। या तो लोगों को आप जगाइए या मेरी आवाज़ को दूर दूर तक सबके पास पहुंचाइए। युग परिवर्तन के दौर में कल की सेना के सैनिकों को खामोश बैठना शोभा नहीं देता। अगर खामोश बैठना है तो आपको मेरी आवाज़ को ताकत देनी होगी, फिर आप चुप रह सकते हैं, वरना खुद आवाज़ उठाना शुरू कर दीजिए। सोए हुए लोगों के कानों में चिल्लाइए। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।